व्लॉग के तौर पे हल्का सा मैं एक झलक आपको दिखा दे रहा हूँ इस खूबसूरत से मैट ब्लू कलर का। और इस गाड़ी का नाम अगर आप देखेंगे तो 160 RTR 2V है। 2V में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस है, स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे नया DRL का सेटअप और फुल LED हेडलैम्प्स है, और साइड के ग्राफिक्स में चेंज है। जैसे ये RT जो कि रेस ट्यून्ड FI है, ये वाला पोर्शन ऐड किया गया है। ये जो पोर्शन है पहले पूरी तरीके से ब्लैक बोरिंग आता था यार, पर अब बहुत अच्छा बनाया है। अब जाली भी दी है इसमें, दैट्स द प्लस पॉइंट कि कभी भी मिट्टी आती है तो वो चीज़ें यहाँ पर रुक पाएंगे। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। बट लमसम ये पैटर्न से बहुत सारे लोग उदास हैं क्योंकि वहाँ राइट साइड पहले एनालॉग फॉर्मेशन आता था और लेफ्ट साइड में आता था डिजिटल, तो इस डिजिटल का एक जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन था एनालॉग वो बहुत ज़्यादा पसंद आता था, वो चीज़ें चौड़ी लगती थी। बट इसमें क्या है कि पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो बहुत सारे लोगों का खटकता था। अब देखिए इसमें जैसे किलोमीटर पर आर पे गाड़ी चल रही है और RPM ऊपर दे दिया है, ये दो जो डिफरेंशिएशन था वो पहले बहुत सारे लोग पसंद आता था, बट मेरा मानना है कि अपग्रेडेशन के हिसाब से जो मेन प्रायोर चीज़ें हैं ड्राइवर परस्पेक्टिव के हिसाब से ये चीज़ें रखना था, इसलिए उन्होंने किया है। अब जैसे ये किए हैं तो उसमें बता देता हूँ कि कितने टाइम अभी हो रहा है, कितने किलोमीटर पर गाड़ी चल रही है, RPM, ओडो सेट करना, फ्यूल का इंडिकेशन, स्टैंड और कौन सा मोड। ये मोड सबसे प्लस पॉइंट है क्योंकि जैसे आप राइट साइड में देख रहे होंगे यहाँ पर मोड ऑप्शन दिया हुआ है। ऑलरेडी आप मोड से वाकिफ थे बाकी गाड़ियों में, बट इसमें आप 2V में भी आपको मिल जाता है। जैसे मैं मोड को यहाँ प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जैसे रेन मोड है, और एक बार टच करता हूँ तो अर्बन हो जाता है, और एक बार टच करेंगे तो ये स्पोर्ट्स हो जाएगा। इस तीनों का आप यूज़ प्रॉपर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पोर्ट्स रहता है। 159.7 cc का वही डिस्प्लेसमेंट वाला इंजन है, बट पावर का जो मेन खेल है वो इस मोड के शिफ्टिंग के कारण अब आप यूज़ कर देंगे, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। बट फिर भी अगर इनमें से कई लोग को ये जो फॉर्मेशन है, ये डिजिटल और एनालॉग पुराना वाला जो था वो अच्छा लगता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ABS के ऑप्शन, इंडिकेशन, इंजन का कोई प्रॉब्लम, बाकी न्यूट्रल, फ्यूल, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। कीज़ साथ ही साथ मैं दिखा देता हूँ, तो कीज़ आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। वहीं पर जैसे मैं इसको अगर लगा के चालू करूँ तो चालू होने पर वो कुछ ऐसा दिखता है। कीमत भी साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, तो मेरी सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी कीमत 152-153,000 के अराउंड पड़ जाती है। अब देखिए आपकी सिटी में वैली करेगा, बट एक खूबसूरत ये फॉर्मेशन है, इसके लिए पुराना प्यार के हिसाब से बहुत ही सटीक कीमत रखी गई है। पुराने वाले के अपग्रेडेशन में हाँ थोड़ा बहुत कीमत का अंतर होगा, पर उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें भी दी गई हैं, जैसे साइड से ये वाला पार्ट और ग्राफिक फॉर्मेशन मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। सेंटर में अपाची लिखा हुआ है, पर इसे नोटिस करिए क्लोज बाय, ये सिर्फ एक स्टीकर है। स्टीकर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे अपाची का, ये क्रोम टच में ना देते हुए उभरे आपको इम्प्रिंट पर ये चीज़ें मिल जाती है, पर यहाँ पर आपको स्टीकर फॉर्मेशन पर ही मिलेगा। सीट का कुशनिंग भी अच्छा ही है, और थोड़े बहुत चेंजेस इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स में आए हैं तो मुझे बेहतर लगा। इंडिकेटर थोड़ा सा मैं दुख फील होता है, तो इंडिकेटर मैं आपको अब हल्का सा जला के बता देता हूँ। तो इंडिकेटर जैसे मैं अभी इस साइड का जला के बता रहा हूँ, तो डिज़ाइन में चेंज है, यहाँ से शार्प पॉइंट है, बट एक चीज़ दुख है कि यार इसमें सेम वही बल्ब फॉर्मेशन दिया हुआ है। LED कर देते तो ये पूरी तरीके से LED हो जाता, क्योंकि पीछे से लेकर सामने के हेडलैम्प्स तक पूरा इसमें LED फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इस जो हल्का सा बल्ब फॉर्मेशन के साथ थोड़ा सा ये अटका, बट ओवरऑल इट्स गुड। अब आगे जो व्लॉग का कंटिन्यूशन है, कभी मैं उसमें दूसरे कलर दिखाऊंगा, पर अब दिनचर्या कैसे हुआ उसको कंटिन्यू करते हैं। सो बताइएगा कि कैसे लगा ये RTR 160 2V इस नए अपग्रेडेशन के साथ। उत्कर्ष भैया की गाड़ी अभी लेने आए थे और अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर सर्विस करवाने आना पड़ा, क्योंकि जो AC का बेल्ट था वो थोड़ा सा लूज फिट हो गया था, और जैसे वो अभी कंप्लीट हुआ है तो फाइनली बिल के पेमेंट के साथ अब उसे उठा के जा रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बेल्ट के ओवर साइज होने की वजह से, स्पेशली लेबर भाई जो भी रहे होंगे उनके कारण, एक बार फिर से आना पड़ा, और अभी एक परफेक्ट साइज जो बेल्ट बैठता है उसमें आ गया, तो उसके कारण अब पुली में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। फ्लैट व्लैट भी फाइनल करना था, तो रायपुर की मेन सिटी में अभी फिलहाल आपको ट्रस्ट स्टेडियम से आधा किलोमीटर दूर, और आगे का प्लान है कुछ भिलाई विलाई जाने का,
तो फिलहाल अभी जो आए थे दीपक भैया के साथ और एक जो मेन खिलाड़ी जो भैया को लेना है वो हमारे आशुतोष भैया। तो यहाँ पर हल्का सा एक को प्रॉपर मॉडिफाई करके दिखा रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेशन कैसे दिखेगा। अभी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बहुत अभी काम बचा हुआ है, बट फिर जैसे कंप्लीट रहता है 65 लाख के हिसाब से ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट लग रहा है। पर हाँ, आगे कंटिन्यू करके देखते हैं जब पूरा बन जाएगा कैसे। और अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो पील ऑफ ऑप्शन सामने का रहता है, और जैसे उसको मैं हटाऊंगा, देयर यू गो ब्यूटीफुल थिंग। और इस चीज़ की पूरी झलक मैं आपको कल राइड में बाकी दर्शन के तौर पे दिखाता हूँ। और फिलहाल अभी इसे टेस्ट राइड के लिए निकले हुए थे, भैया अभी चला रहे हैं। जो डिफरेंस है इसके परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ नहीं लग रहा, रेंज भी लग रहा है, प्राइस में, जो मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ। अब गाड़ी प्रॉपर स्पोर्ट्स मोड लगा के अभी राइड कर रहे हैं और एक सफिशिएंट पावर दे देता है जितना होना चाहिए। अब फिर जैसे राइड मोड लगाने से सफिशिएंट पावर और ठीक ठाक रेंज ये दे देता है, और जैसे क्रूजिंग आप देख रहे होंगे तो प्रॉपर एक साउंड भी परफेक्ट मिल जाएगा इसमें। पार्क असिस्ट का ऑप्शन यहाँ से हो जाता है, तो जैसे आप इसे एक्टिव करेंगे और हल्का सा एक्सीलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिवर्स हो जाएगा। इसमें लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि उतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। फिर जैसे रिवर्स को डीएक्टिवेट करना है तो देखिए कैसा प्रोसेस है, हल्का सा लेफ्ट स्लाइड कर देंगे टच करके तो बंद हो जाएगा। तो इधर का जैसे अभी राइड कंप्लीट करके आए थे ना, तो ये बेस्ट चीज़ मेरे को यही लगा। जैस्तम चौक के जस्ट बगल में आप आएंगे तो दो चार्जिंग स्टेशन भी दिया हुआ है, और चार्जिंग स्टेशन का परफेक्शन रहेगा कि सफिशेंट अगर कम है और इसी आसपास आप हैं तो यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन में आके आप इत्मीनान से 10 से 15 मिनट चार्ज करेंगे, सफिशेंट घर पहुँचने लायक आपके पास हो जाएगा।